बाहुबली की रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और हॉलीवुड तक में हंगामा मचा दिया है। सिर्फ दो दिन में 100 करोड़ कमाने का करिश्मा आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ था। यहाँ तो सलमान, शाहरुख या फिर आमिर की फिल्में ही रिलीज के चौथे पांचवे दिन 100 करोड़ के क्लब में पहुँचती थी, लेकिन बिना किसी खान के महज दो दिन में सारे रिकॉर्ड्स को डिमोलिश करना वाकई कोई खेल नहीं है। आखिर क्या है बाहुबली की इस बम्पर सक्सेस का राज? रीजन नंबर वन, बाहुबली के रूप में काफी वक्त बाद भारत में एक ऐसी फिल्म आई जिसे सही मायनों में हॉलीवुड को टक्कर देने वाला कहा जा सकता है। फिल्म के सेट और स्पेशल इफेक्ट्स किसी भी मामले में हॉलीवुड की किसी मेगा फिल्म से कम नहीं थे। रीजन नंबर टू, SS राजामौली का डायरेक्शन। राजामौली को उनके कमाल के विजन और फिल्म में दिखाने वाली डिटेलिंग की वजह से इंडिया का स्टीवन स्पीलबर्ग कहा जाता है। राजामौली बाहुबली नाम से एक फिल्म बना रहे हैं। इसकी चर्चाएं तब से ही शुरू हो गई थी जब फिल्म फ्लोर पर गई थी। रीजन नंबर थ्री, एक्टर्स का सुपर्ब डेडिकेशन। बाहुबली एक एक्शन पीरियड ड्रामा है। इसके अकॉर्डिंग अपने लुक को बनाने के लिए एक्टर प्रभास और राणा दग्गुबत्ती ने ऑफ स्क्रीन भी काफी मेहनत की। एक्टर्स की इसी मेहनत ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब रंग जमाया। रीजन नंबर फोर, फिल्म का शानदार बजट। जब बाहुबली फिल्म अपनी प्री प्रोडक्शन स्टेज में ही थी तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस फिल्म का बजट काफी विशाल होगा, लेकिन तब फिल्म को अपना सपोर्ट दिया करण जौहर ने। फिल्म मेकिंग में पैसे की कोई कोताही नहीं रखी गई, लिहाजा जब बाहुबली फाइनली बनकर सामने आई तो सब उसे देखकर वाह वाह कर उठे। पूरब से लेकर पश्चिम तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक बाहुबली का बल हर जगह दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अभी ये तो शुरुआत है। सिर्फ दो दिनों में 100 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म हो सकता है इंडिया में 1000 करोड़ क्लब का एक नया ट्रेंड शुरू कर दे। वेल, लेट्स सी बाहुबली और क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बनाती है।